नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु चौधरी। दोस्तों, ये जो बिजली का बिल है, कभी कभी हमको टाइम पर नहीं मिल पाता है, जिस कारण से हम अपना बिल समय से जमा नहीं कर पाते हैं और हमारे बिल पर काफ़ी सारी पेनल्टी भी लग जाती है। तो दोस्तों, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि यह बिल आपको टाइम पर ना मिले और लेट हो जाए आपको मिलने में, तो फिर घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप ऑनलाइन ही बहुत ही आसान तरीके से अपने व्हाट्सएप से दोस्तों आप अपने बिल को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसको जमा भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप जब चाहें तब अपने व्हाट्सएप नंबर पर अपना बिजली का बिल मंगवा सकते हैं, उसकी कोई भी शिकायत कर सकते हैं, उसकी कोई भी जो है दोस्तों आप जो है पेमेंट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इस बिल को अपने व्हाट्सएप नंबर पर किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक बटन दबा के ही अपना बिल मंगवा लें और अपना जो है बिल जमा कर दें। तो आइए दोस्तों, बिना आपका टाइम खराब किए करते हैं वीडियो को शुरू। और शुरू करने से पहले थोड़ी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके की और भी बेहतरीन वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप यह वेबसाइट अपने मोबाइल पर भी खोल सकते हैं और यदि आपके पास कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल पर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र में। यहाँ पर दोस्तों, आपको जैसे ही आप जाओगे, आपको डालना है upenergy.in। जी हाँ, वेबसाइट है upenergy.in। जैसे ही आप अपने मोबाइल के या अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में इसको डालेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगी। अब जैसे ही वेबसाइट खुलेगी तो होम पेज पर ही दोस्तों आपके सामने यह कुछ बार कोड से आएंगे। जी हाँ, यह बार कोड आएंगे जिसमें ऊपर भी लिखा होगा BVVNL, MVVNL, PUVVNL और PVVNL। अब ये क्या चीज़ है, आपको देखना है कि आप उत्तर प्रदेश के किस भाग से आते हो। यदि आप आते हो दक्षिण से तो आपके लिए जो बार कोड है वो है DVVNL। इसी तरीके से जो PU वाला है तो ये है दोस्तों पूर्वांचल, और इसी तरीके से लास्ट वाला है वो है PVVNL। ठीक है, तो आपको अपने एरिया के हिसाब से देख लेना है कि आप उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में रहते हैं, वहाँ का आपको यह बारकोड चुनना है। किस तरीके से होगा, सारी प्रोसेस आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैं रहता हूँ पश्चिमांचल में, तो मैं क्या करूँगा, अपना मोबाइल का व्हाट्सअप खोलूँगा और पश्चिमांचल जो हमारा ये बार कोड है इसको मैं स्कैन करूँगा। कैसे करेंगे, अब आपका काम इतना ख़त्म हो चुका है। आप या तो अपने लैपटॉप में जिसको खुला रहने दीजिए या अपने मोबाइल में इस वेबसाइट का ये इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब जो है हम चलते हैं अपने मोबाइल पर। आपको या तो अपने मोबाइल में अगर आपने ये खोली है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लैपटॉप या कंप्यूटर में खोली है अपने वेबसाइट तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, आपके मोबाइल में जो स्कैनर होता है, जो बारकोड स्कैन करता है, आप उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने जो है अपने मोबाइल में ये स्कैन कर लिया है। अब जो है मैं क्या काम करता हूँ, जो मेरा PVVNL है, क्योंकि पश्चिमांचल से मैं आता हूँ तो इसको मैं स्कैन कर लूँगा। स्कैन करते ही दोस्तों ये पूछेगा कि डोंट अलाउ या अलाउ, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि ये पूछ रहा है कि भाई आप इसको अपने व्हाट्सएप पर ही खोल लीजिए। तो जैसे ही दोस्तों मैंने इस पर अलाउ किया, मेरे सामने आ गया व्हाट्सएप अकाउंट फाउंड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऑफिशियल अकाउंट है, हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसको स्कैन किया है। ठीक है, अब जो है अब क्या करते हैं, इसमें नीचे लिखा है कंटिन्यू टू चैट, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू टू चैट पर। जैसे ही मैं इस पर दोस्तों क्लिक करूंगा, मेरे सामने इसका जो है व्हाट्सएप अकाउंट खुल जाएगा और इसमें एक मैसेज लिखा होगा आई एग्री टू रिसीव फ्यूचर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स फ्रॉम PVVNL प्लीज स्टार्ट। आपको जो है जो आपका एरिया होगा, मान लीजिए पूर्वांचल है या दक्षिणांचल है, तो वहाँ से जो है आपको वो स्कैन करना है। आपके सामने भी इसी तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, सेम प्रोसेस है, और अब आप इसको कर देंगे स्टार्ट पर ओके, यानी कि इसको मैसेज को आप सेंड कर देंगे। जैसे ही ये मैसेज मैं दोस्तों सेंड करूँगा तो मेरे सामने उधर से एक रिटर्न मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, पश्चिमांचल व्हाट्सएप सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए कृपया हाई टाइप करें। तो मैं इसमें कर देता हूँ HI टाइप करके भेज देता हूँ। तो उधर से मेरे सामने दोस्तों फिर एक मैसेज आ जाएगा, नमस्कार, मैं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चैट बॉक्स आपका स्वागत करता हूँ, कृपया मुझसे संवाद करने के लिए अपनी भाषा चुनें। अब आपको क्या काम करना है, यदि आपको हिंदी में बात करनी है, यानी हिंदी में चैटिंग करनी है, तो आप इसमें एक टाइप करके भेजेंगे, और इंग्लिश में करनी है तो आप दो टाइप करके भेजेंगे। तो दोस्तों मैं फिलहाल इसमें एक टाइप करके भेज देता हूँ, है ना, देखते हैं हिंदी में क्या आता है।
तो जैसे मैंने एक टाइप किया तो ये पूछ रहा है कि कृपया अपना क्षेत्र चुनें, शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र। तो मैं दो टाइप कर देता हूँ क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र आ गया। तो मैंने ये उसी व्हाट्सअप नंबर से मैसेज किया है जो मेरा अपने बिल में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये तुरंत आ गया है कि प्रिय उपभोक्ता, आपके मोबाइल नंबर पर बिजली कनेक्शन संख्या इतनी इतनी है और हिमांशु के नाम से पंजीकृत है, इस कनेक्शन की बिल संबंधी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से आपको भेजी जाएगी। अब इसमें यह क्या कह रहा है कि आप तीन ऑफर इन्हें दिए हैं, पुष्टि करने के लिए एक दबाएं। यदि यह बिजली कनेक्शन आपके पास नहीं है, यानी कि आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दो दबा दीजिए, और मुख्य मेन्यू आपको चाहिए तो आप तीन दबा दीजिए, ठीक है। तो मैं एक दबा देता हूं क्योंकि मेरा बिल्कुल सही है। तो जैसे ही मैंने एक टाइप किया दोस्तों, एक टाइप करते ही मेरे सामने एक और मैसेज आ जाएगा। मैसेज आ चुका है, आज मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो इसमें जो है ये सात ऑप्शन आए हैं। पहला, क्विक लिंक्स, बिल राशि देखें, शिकायत दर्ज करें, शिकायत की स्थिति देखें, संपर्क करें, भाषा बदलें या रीसेट। तो यानी कि आपको फुल कमांड आपके विद्युत कनेक्शन के बारे में यहाँ मिल जाती है। मान लीजिए मुझे उसमें बिल देखना है अपना कितना बिल है, तो आप दो दबाएंगे और भेज देंगे। तो इसमें यदि आपका बिल आपको रिसीव भी नहीं हुआ है ना, तो आपका बिल तुरंत यहाँ पर आ जाएगा। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये मैसेज आ चुका है, इसमें लिखा है कि आपके विद्युत खाता संख्या के नवीनतम बिल राशि माह मार्च 2022 के लिए इतनी, यानी कि 984 रुपये, शेष बकाया धनराशि इतनी है, भुगतान करने की अंतिम तिथि भी इन्होंने दे दी है, अपना विस्तृत बिल देखने एवं ऑनलाइन भुगतान करने के लिए इन्होंने आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। नीचे इन्होंने डिस्क्लेमर लिखा है कि यदि आपके द्वारा भुगतान किया जा चुका है तो आप कृपया ध्यान ना दें। तो दोस्तों बहुत ही आसान है ना, आपका बिल मोबाइल पर आ चुका है, आप यहीं से इसको पेमेंट भी कर सकते हैं इसी लिंक पर जाकर, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अन्य खाता आईडी के लिए बिल की जाँच करने के लिए आप एक दबा सकते हैं, यानी आपका कोई यदि इस नंबर पर दूसरा नंबर कोई जुड़ा हुआ है विद्युत कनेक्शन, तो उसका भी आप यहाँ से देख सकते हैं, या मुख्य मेन्यू में आप जा सकते हैं। तो मैं दो दबाकर मुख्य मेन्यू में आ जाता हूँ, तो यहाँ पर फिर से जो है हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप अपने बिल के बारे में शिकायत भी यहाँ से दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप संपर्क भी कर सकते हैं, अपने शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर तीन देखा, भाई शिकायत दर्ज करनी है, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपको किस रिगार्डिंग शिकायत करनी है, बिल संबंधी, मीटर संबंधी, विद्युत संयोजन या विद्युत आपूर्ति बाधित है इस बारे में। तो बिजली चोरी की सूचना भी दोस्तों आप यहीं से दे सकते हैं अपने व्हाट्सएप से ही, ट्रांसफार्मर संबंधी सब आप जो है शिकायत भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने अवेलेबल किए हैं। तो अब आप जो है अपने बिल की टेंशन मत लीजिए कि आपको आपका बिल मिला है या नहीं मिला है, आप केवल मोबाइल से ही अपने बिल को देख सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डिजिटल जानकारियां डेली की डेली मिलती रहती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपने दोस्त हिमांशु को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा किसी और बढ़िया सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।